ओके वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू। टिश्यू में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? और एनिमल टिश्यू में हम ये समझ रहे थे कि जो हमारा ब्लड होता है, कौन होता है? ब्लड है ना। लास्ट क्लास हम लोगों ने ब्लड पे छोड़ दिया था, आपने सब लिख लिया है ना। फिर मैंने आपसे कहा था कि ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बताओ? ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट मतलब अवयव, जो रक्त है, हिंदी में कहते हैं रक्त। रक्त किस किस से मिलकर के बना है? देखो प्लाज्मा, क्या बोलते हैं हिंदी में भी? प्लाज्मा ही बोलेंगे, ठीक है ना। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, इसको हिंदी में भी प्लेटलेट्स ही कहते हैं, ठीक है ना। और WBC और RBC, तो RBC और ये क्या हमारे पास WBC। इन सभी कंपोनेंट से मिलकर के क्या बनते हैं? ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं? अगर आपसे अवयव कहा जाए ना, तो आप ये बताओगे, ठीक है ना, कि भाई ब्लड के अंदर RBC होता है, WBC होता है, और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। हमें इन सभी का फंक्शन पता होना चाहिए, मतलब काम क्या होता है, ठीक है ना, और ये होते क्या है, डिटेल में पता हमें होना चाहिए। तो आज मैं आपको ना यही चीजें समझाऊंगा। माइक्रोस्कोप से जूम करके आपको ये दिखाया गया है, ब्लड है ना। तो ब्लड के अंदर आप देखो ध्यान से, ये जो लाल लाल से ना पहिया सा है, ये RBC, क्या है ये? RBC। और जो ब्लू ब्लू सा है, ये WBC। ये देखो दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है। और ये जो हमारे पास है, देखो ये जो ऑरेंज ऑरेंज, ये फ्लूइड, क्या है ये? फ्लूइड। उसमें तैरते रहते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो हमें इन्हीं को पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो अपन लोग कहाँ चल रहे हैं, है ना, हम लोग चलते हैं व्हाइट और सॉरी इस पे ग्रीन बोर्ड पे, है ना। तो चलो देखो, लिखो हेडिंग। सबसे पहले आप लोग हेडिंग करो प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है आप लोग, है ना, प्लाज्मा को जानेंगे डिटेल में। व्हाट इज प्लाज्मा? तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ना फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है, ठीक है ना, जो कि ब्लड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप लोग लिखो हेडिंग प्लाज्मा। प्लाज्मा किस में होता है? तो ब्लड में, ठीक है ना। हमें जानना है बच्चा प्लाज्मा, हिंदी में बेटा प्लाज्मा ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा हो गया, ठीक है ना। प्लाज्मा लिखो, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है 55% पार्ट होता है किसका? ब्लड का। लिखो 55% पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है ना, यानी कि रक्त का 55% भाग। किसका मैंने कहा? रक्त का। रक्त का 55% भाग होता है, ठीक है ना। अगर रक्त है, रक्त मतलब कि ब्लड, अगर ब्लड है तो ब्लड के अंदर 55% कौन होता है बताओ? प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है ना, प्लाज्मा, ठीक है भाई। अब बताओ इसमें कौन कौन से, इसमें कौन कौन होते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ प्लाज्मा, कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन कौन होता है? तो प्लाज्मा के अवयव, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा के अवयव, ठीक है ना, प्लाज्मा के अवयव। देखो प्लाज्मा में कौन कौन होता है भाई सब? प्लाज्मा में होता कौन कौन है सुनते जाओ ध्यान से। सबसे पहले होता है 90 से 92% वाटर। कौन होता है? 92% वाटर, ठीक है ना। 90 से 92% जल होता है, ठीक है ना, आप इसमें लिख दो 90 से 92% जल। 7 से 8% इसमें कौन होते हैं? अदर सबस्टांस, ठीक है भाई। तो 7% इसमें कौन होता है? प्रोटीन। 7% कौन होते हैं इसके अंदर? प्रोटीन, हिंदी में प्रोटीन ही बोलेंगे, ठीक है ना। 7% प्रोटीन होते हैं, और 1% जो बच गया वो हमारे पास कौन होता है इसके अंदर? इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है भाई। अब बताओ इसमें प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन का नाम पता है आप लोगों को? देखो इसमें तीन टाइप के प्रोटीन होते हैं, आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना, पूछेंगे आपसे। पहला होता है फिब्रिनोजीन। क्या होता है? फिब्रिनो जीन, ये नाम है प्रोटीन का, ठीक है भाई। हिंदी में भी सेम नाम रहता है, फिब्रिनोजीन ही बोलते हैं, फिब्रिनोजीन, ठीक है ना। और कौन सा है? एल्बुमिन।
एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं एल्बुमिन, ठीक है ना, प्रोटीन। और कौन होता है इसके अंदर? ग्लोबुलिन। कौन होता है? ग्लोबुलिन, है ना, ये प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन, 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 ठीक है ना। ये प्रोटीन होते हैं किसमें बताओ? प्लाज्मा। और प्लाज्मा होता है किसमें? ब्लड में। तो ब्लड में अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रोटीन कितने परसेंट होते हैं, तो 7%। तो 7% प्रोटीन। तो कौन कौन से प्रोटीन है ब्लड में? आपको नाम सबका पता होना, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पता होना चाहिए ना। और 0.9% कौन है इसके अंदर? वाटर, सॉरी इनऑर्गेनिक सॉल्ट। 1% 0.9% है ना, 0.9% इसमें कौन होता है? अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, या कह लो आप लवण, अकार्बनिक लवण बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में, यानी इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है कितना? 0.9%। ये ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है ना, उसमें होता है, ठीक है भाई, बात आया तुमको समझ में? कॉपी करो जल्दी से, फटाफट से लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे। चलो देखो, अब इसमें कौन होता है? कार्प सेल। कार्प सेल्स को बोलते हैं हिंदी में क्या चीज? क्या बोलते हैं? कणिकाएं। क्या बोलते हैं? कणिकाएं, कणिकाएं, कण, ठीक है ना। कार्प सेल हमारे ब्लड में, यानी कि प्लाज्मा में, या कह लो ब्लड में, ठीक है ना, हाँ ब्लड में होता है, प्लाज्मा में ना, प्लाज्मा में नहीं होता, प्लाज्मा में तैर रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब ये होते हैं कार्प सेल। तो नाम तो आपको मालूम ही है, दो कार्प सेल होते हैं, तीन तीन, ठीक है ना। देखो आप इसमें क्या लिखते हो पहले? आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी। आप इसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हो भाई? रेड ब्लड कार्प सेल्स, ठीक है ना। अब जो रेड ब्लड कार्प सेल्स हो गया, इसका एक नाम और है, ठीक है ना, बट हिंदी में भी क्या है ना, सो सेम, ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको बताओ? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। लास्ट में इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है बताओ? साइट्स। और इसका मतलब होता है सेल। क्या होता है इसका मतलब? सेल। तो इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। लिखो इसमें इसे, या फिर लिखो ये एरिथ्रोसाइट के नाम से, नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? एरिथ्रोसाइट्स। अब इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, अभी सब बताऊंगा, ठीक है ना। लिखो ठीक है ना, लिखो इट कंटेन्स रेड कलर्ड पिगमेंट, पिगमेंट, रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी, लिखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इट कंटेन्स रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। नाम इसका सबने सुना होगा, नहीं सुना आपने नाम? अरे नाम सुना है तुमने हेमोग्लोबिन का? नहीं सुना? ब्लड में होता है, ध्यान रखना, हिंदी में भी हेमोग्लोबिन ही कहते हैं। क्या करता है ये बॉडी में? दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। लिखो इसमें
इसमें क्या होता है, लाल रंग का, सॉरी इसमें 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 श्वसन श्वसन वर्णक उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं जो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन ऑक्सीजन की संवहन या कह लो वहन, ऑक्सीजन की वहन के लिए उत्तरदायी होता है। के लिए क्या होता है, उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार, उत्तरदायी होता है। अरे समझे आप लोग, मतलब सुनो क्या होता है, देखो आरबीसी होता है, कहते हैं रक्त हमारा लाल होता है, रक्त हमारा क्यों होता है, तो आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, कौन होता है, हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। क्या होता है, एक बार मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखो हमने क्या किया, क्या खींचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने इसे कहते हैं इनहेल करना, क्या करना, फिर खींचते हैं अंदर, क्या लिया मैंने, ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, हमारे फेफड़े में, यानी कि हम कह सकते हैं लंग्स में, एक एक ऑल्वियोली 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 नाम का ना पार्ट होता है लंग्स के अंदर, ठीक है ना, आप इसे टेंथ में समझोगे, ठीक है ना, तो इसके अंदर जाता है पहले ऑक्सीजन O2 गैस, कहां से, बाहर से, उसके बाद इसके अंदर कौन होता है, ब्लड, कौन होता है, और इसमें होता है हीमोग्लोबिन, कौन होता है। अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड कहां से आया है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से, बॉडी के और क्या लेकर के आया है, CO2 गैस, भाई बॉडी में से कौन निकलता है बाहर, CO2 गैस बाहर, तुम कौन सी गैस छोड़ते हो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग छोड़ते हैं ना, लिया ऑक्सीजन छोड़ा क्या, तो ये जो गैस CO2 होता है ये ब्लड में आता है अंदर से, कहां से आता है, अंदर से ब्लड में आता है। अब अंदर से ब्लड में कहां से आया, जो आपने खाना खाया था ना उससे आपको मिला था ग्लूकोज, क्या मिला था, तो उससे रिएक्शन होती है उसकी, तो CO2 गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस तो बाहर आती है और O2 गैस अंदर जाती है ब्लड में, ठीक है ना। तो इस O2 गैस को अब फेफड़े में से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, जहां जहां भी ब्लड है वहां वहां पहुंचता है, कौन O2, कौन पहुंचता है, O2 पहुंचता है, तो इसे पहुंचाएगा कौन, तो इसी ब्लड के अंदर होता है HB, कौन होता है, ये हेमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ये होता है हेमोग्लोबिन का सिंबल HB, ठीक है ना, कोई भूलेगा नहीं, जो नहीं भूलेगा उसको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हेमोग्लोबिन का क्या करता है, ब्लड के अंदर है ऑक्सीजन गैस आता है, कौन आता है, ये HB, और ऑक्सीजन से कहता है आजा बैठ मेरे कंधे पे, तो ऑक्सीजन क्या होता है, इसे कंधे पर बैठता है, बैठ गया, अब इसको लेकर के हो जाता है ना, यानी ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, संवहन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में बॉडी तक पहुंचाता है। क्यों पहुंचता है ये बॉडी में अलग अलग जगह पे, क्योंकि आपने जो खाना खाया था उस खाने में से तुम्हें क्या मिला, ग्लूकोज, क्या मिला, और ग्लूकोज जो है तुम्हारे ब्लड में आया, कहां पर आया, और उस ग्लूकोज के साथ में क्या होगी, इस ऑक्सीजन की रिएक्शन, ग्लूकोज क्या होता है, फॉर्मूला C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये जो ऑक्सीजन आया उससे रिएक्शन करेगा, क्या, तो रिएक्शन करने के बाद में एनर्जी बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, और इस एनर्जी को आप लोग यूज करते हो ना, दौड़ने में, काम करने में, है ना, घूमने फिरने में, ठीक है भाई, किसी को गुस्सा मारने में, है ना, आप लोग यूज करते हो एनर्जी। रिएक्शन हुआ ग्लूकोज का और किसका,
ऑक्सीजन का, तो क्या निकला? ऊर्जा निकला, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलता है? CO2 गैस। क्या निकलता है? फिर ये CO2 गैस जाएगा लंग्स में, ठीक है ना, बाहर निकल जाएगा। फिर O2 लाएगा और यहां पे रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। और क्या निकालेगा? एनर्जी। हम इसी एनर्जी के लिए तो खाना खाते हैं। खाना हम क्यों खाते हैं? खाना ना खाए तो क्या होगा? चक्कर आएगा ना, एनर्जी रहेगा नहीं हमारे पास, है ना। हम दाल भात खाता हूं काय के लिए? दाल, दाल में होता है प्रोटीन, और भात में क्या होता है? भात में होता है स्टार्च। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जो डाइजेस्ट होने के बाद में ये निकालता है, ठीक है ना। और ये निकालता है ना, इससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। फिर खत्म हो गया, भात पच गया, फिर खा लेगा रात को भात, ठीक है ना। तो दाल भात खाने से एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? रोटी खाने से क्या मिलता है? एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, ग्लूकोज लगा देते हैं ना डॉक्टर लोग, तो यही देते हैं तुम्हारी बॉडी में। तो तुम्हारी बॉडी में जब बीमार पड़ते हो ना, तो तुम्हें एकदम से तुम्हारी खत्म हो गई सारी एनर्जी, तो तुमको क्या एनर्जी देने के लिए एकदम से क्या करते हैं? ये लगा देते हैं ग्लूकोज, एक बोतल से ऊपर, है ना। तो आप खाना खाओगे, 4 घंटे में पचेगा, फिर ये जाएगा किसमें? ब्लड में। तो टाइम लगेगा ना। तो डॉक्टर क्या करता है? बने बनाया ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी में घुसा देता है, तुम्हारी बॉडी में, रक्त में, ठीक है ना, ब्लड में मतलब। और जैसे ही पहुंचता है ब्लड में ये, और वहां पर से कौन मिलता है? O2 कहां से आया? तुम जिंदा हो ना, मर थोड़ी गए। जब हम जिंदा है तो क्या लेंगे? लिया ना लिया, और जैसे भर के लिया अंदर, ये मिल गया उसको, क्या हुआ रिएक्शन? क्या मिली? इसीलिए जब तुमको ग्लूकोज चढ़ता है ना, तो 10-15 मिनट के अंदर ही वाह वाह ना, ऐसा लगता है कि हम ताकतवर हो गए। क्या हो गए? इसी वजह से ना हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है। अब बताओ ये कहां पर हो रहा है? ये रिएक्शन सेल में कहां हो रहा है? इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेलुलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? 10th में पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। आप यहां पर फिलहाल ये समझ जाओ कि हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और कार्प सेल होता है। तो कार्प सेल के अंदर RBC होता है, RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसी RBC के अंदर क्या होता है? रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है बॉडी में, है ना, इधर से उधर, ठीक है ना। हमारा ब्लड लाल भी इसी की वजह से होता है। कभी पूछे कोई हमारा ब्लड लाल क्यों होता है, तो HB हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है ना। बोलेगा क्या? अरे कोई बोलोगे क्या तुम? इसमें भूलना नहीं, भूल लेंगे नहीं तो भूल जाएगा भाई आर्यन, नहीं भूलेगा ना। हमारा रक्त क्यों लाल होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। किसकी? उपस्थित होते हैं जो ऑक्सीजन की वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन कहते हैं। अबे समझ में आया? इसे HB द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है ना, निरूपित किया जाता है। अरे समझे नहीं समझे तुम लोग? तो लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय HB, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय HB, ठीक है ना। अब तुमसे अगर कोई पूछेगा बताओ रक्त लाल क्यों होता है, ब्लड क्यों होता है लाल रंग का, तो ड्यू टू हेमोग्लोबिन। समझ में आया सबको? नहीं आया? अरे बताओ फटाफट से, कॉपी करो जल्दी से, ठीक है ना, कर ली कॉपी? तो ये हमारा खत्म हुआ RBC। क्या हुआ खत्म? अब आते बात करते हैं WBC की। किसकी बात होगी? फिर बात होगी प्लेटलेट्स की, ठीक है ना। इससे ज्यादा तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, और कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। इससे ज्यादा RBC के बारे में तुमको इतना पता होना। RBC क्या है? रेड ब्लड कॉर्पस सेल फुल फॉर्म होता है, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, है ना। डॉक्टर लोग RBC नहीं बोलते, जो होते हैं डॉक्टर वो बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। और वो इसके अंदर क्या होता है RBC में? होमोग्लोबिन, होमोनी हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। क्या होता है? हेमोग्लोबिन, ठीक है ना भाई। और क्या करता है बॉडी में? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। तुम्हारे बॉडी में जहां जहां काटेंगे ना हम, वहां क्या निकलेगा? ब्लड।
तो जहां जहां ब्लड है और वहां वहां कौन पहुंचेगा, हीमोग्लोबिन किसको लेकर पहुंचेगा, ऑक्सीजन। हाँ, शहर के कोने कोने तक पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, बर्गर कौन पहुंचाता है, अरे देश के कोने कोने तक बर्गर कौन पहुंचाता है, स्विगी पहुंचाता है, और कौन पहुंचाता है, ऑनलाइन आते ना वो, डोमिनोज पहुंचाता है, पिज्जा, और कौन पहुंचाता है, तो ये सब ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सब क्या करते हैं, बंदे कहीं है पहुंचाते और कहीं है। ऐसे हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी का डोमिनोज कौन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, खाना पहुंचवाता है वो, मतलब ऑक्सीजन पहुंचवाता है, ठीक है ना। एक और भी तो फेमस नाम है नाना, अरे एक और फेमस नाम है जो पहुंचाता है इधर उधर, जैसे डोमिनोज हो गया, एम से जो है मैकडोनाल्ड है ना, पहुंचाता नहीं है ये भी तो पहुंचाता है। एक और है फेमस, नाम भूल गया मैं, लिखो WBC, क्या लिखो, तो वो लोग क्या करते, क्या है, बाइक तुरंत लेकर के पहुंच जाते हैं, है ना, नहीं पहुंचते। ऐसे ही ऑक्सीजन को लेकर कौन पहुंचता है, वो ये हीमोग्लोबिन, कौन पहुंचता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, कहां पहुंचता है, ब्लड के साथ में बॉडी के हर एक पार्ट तक, ठीक है ना, बाइक लेके पहुंचता है। तो यहां पर बाइक कौन है, HB, ठीक है ना, उसको बैठ के चल देता है तुरंत। तो WBC व्हाइट ब्लड कार्प सेल्स, ठीक है बच्चा पार्टी, क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, ठीक है ना। और वो कौन था, वो तो लाल रक्त, अरे उसके आप हिंदी लिखी ना, क्या लिखे थे उसके, लिख ली थी हिंदी, ठीक है, अब इसकी लिखो, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या करता है पता है, ये दुश्मन दुश्मन करता है, हमारी इंडियन आर्मी क्या करती है, दुश्मनों को मारती है ना बॉर्डर पे, क्या करती है, अगर जैसे दिखा पाकिस्तान के ओर से कौन आ रहा है, आतंकवादी, उड़ा देता है, क्या करता है, जैसे देखा चाइना की ओर से कौन आ रहा है, आतंकवादी, तुरंत उड़ा देते हैं, है ना, छोड़ते भी नहीं कुछ भी, खत्म, टाटा बाय बाय, चलो। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर आर्मी है, कौन है, आर्मी, उसका नाम कौन है, WBC, कौन है, WBC। हाँ, जैसे दिखा कि हमारी बॉडी में घुस रहा है वायरस, कुछ खत्म कर देता है इसको, क्या करता है इसको, एंटीबॉडी का नाम तूने बहुत सुना था कोरोना में, नहीं सुना था, एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम, अरे इम्यूनिटी वर्ड सुना था, अभी कोरोना नहीं आया था, दो साल पहले, तो क्या करते, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, और जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इम्यून सिस्टम को बोलते हैं हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना, जिसके अंदर अच्छा है उन्हें वो बोलते हैं रोगों से लड़ने की शक्ति। तो रोगों से लड़ता कौन है, रोगों से नहीं लड़ता, बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है कौन, ये WBC, ठीक है ना। और हमारी बॉडी में होता है इम्यूनिटी, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, और ये WBC देता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी का रक्षक कौन है, WBC, ठीक है ना। तो लिखो फटाफट से इसके बारे में, क्या लिखेंगे, लिखो ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है भाई, लिखो इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, समझे आप नहीं समझे, छाप लो फटाफट से, है ना, ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको हम लोग, लिखो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर, ठीक है भाई साहब, क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्जर एक थी बातें बोलकर वायरस को मार के गया, ओ माय गॉड, लिखो इसे
इसे शरीर का रक्षक भी कहते हैं, या सैनिक लिखो, सैनिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये जो भी सुनो ऐसा बैठा रहता है। तुमने कभी वो देखा है ऑल आउट? उसका पहले एड आता था, चलो मालूम मेंढक कौन है, मालूम है मैं मेंढक हूं, खड़ा हूं, मच्छर मैं देखता रहता हूं हमेशा, मच्छर को ऐसे मच्छर पास आया अंदर, फिर खोल के फिर देख रहे हैं, मच्छर पास से गया अंदर, ठीक है ना, यही करता हूं मैं। ऐसे ही करता कौन है? WBC मुंह खोल के ऐसे रहता है, और जैसे ही आया बैक्टीरिया खा जाता है, क्या करता है, ये जो मैं कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इनगल्फिंग, क्या बोलते हैं इसको, निगल जाता है, क्या करता है, निगल जाता है, ठीक है ना, उसे चबा जाता है, कच्चा कहता है हाम खोर शरीर में, ठीक है ना, ऐसे खाता है, मैं भी खाता हूं ऐसे ही, मैं ऐसे दाल भात खाता हूं, ठीक है ना, इनगल्फिंग मतलब निगल जाना, क्या करना, कल ये पता केचो खा गया था, केरा अच्छा लग रहा है देखने में, चौमिन सा लग रहा है, चार पांच पकड़ा नमक मिर्च गेरा अनुग्रह, मजा आ रहा है तेरी, मजा आ रहा है, केरा सस्ते में चौमिन वाले की नुकसान करवा दिया, बताओ यार ऐसा क्यों करते हो भाई तुम लोग, लिखो 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 लिखो, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, क्या करता है ये, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, समझे आप लोग, है ना, इसकी हिंदी क्या होगी, लिखो, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्या करता है, बढ़ाता नहीं है, प्रदान करता है, प्रदान करता है मतलब देता है, ठीक है ना, प्रदान करता है। अरे समझा आप लोग, नहीं समझ में आया, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है मतलब बढ़ा देता है, समझ में आया तेरे को, फटाफट से कॉपी करो उसको जल्दी से, चलो छापो इसको, लिख दिया, लिखो, लिखो, क्या बोला मैंने, हो गया, लिखो, दे, लिखो इसमें प्रॉपर्ली लिखो, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी, प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय इनगल्फिंग, इनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, ठीक है ना, बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स, कौन सा पार्टिकल, फॉरेन मतलब होता है बाहरी, क्या होता है, फॉरेन, ठीक है ना, पार्टिकल्स, स्पेलिंग में एन कहाँ आ गया, फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है ना, मतलब बाहर से जो भी पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाएगा उसे ये खा जाएगा, ठीक है ना, और हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करेगा, समझे नहीं आप तुम लोग इसको, लिखो, ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, किसको, तरीका लिख दिया, बैक्टीरिया और कणों को पचाकर क्या करता है, पचाकर शरीर की रक्षा करता है, पचाकर शरीर की क्या करता है बताओ,
रक्षा करता है, ठीक है ना, शरीर की रक्षा बचाता है बॉडी को, ठीक है ना। सोल्जर, सोल्जर, ठीक है, ये हमारे गली गली का नहीं, सॉरी बॉडी का, मैं करो गली का सोल्जर है, ठीक है भाई, छाप लिया। अब सुनो, ये पांच टाइप के होते हैं, ये कितने होते हैं, हाँ पांच टाइप के होते हैं WBC, लिखो, दे आर ऑफ फाइव टाइप्स, हाँ फाइव टाइप्स, ठीक है ना, लिखो, ये पांच प्रकार के होते हैं, हमें ना बस नाम लिखने हैं पांचों, ठीक है ना, बस हमें पता होना चाहिए पांच कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। ये पांच प्रकार के होते हैं, प्रकार के लिख लिया आपने इसकी हिंदी, लिखो पांच कौन कौन से होते हैं, देखो सुनो, अब आगे हम देखते हैं, मोनोसाइट्स, पहला क्या क्या नाम है इसका, मोनोसाइट्स, बेटा हिंदी में सेम होता है, ठीक है ना, हिंदी में भी इसका यही नाम है, मोनोसाइट्स, ठीक है, बहुत सारे ना इसलिए। फिर कौन आता है इसके अंदर बताओ, मोनोसाइट्स आता है इसमें, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इजिनोफिल्स, ठीक है ना, लिखो, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, फिर लिखो बेसोफिल्स, ठीक है ना, बेसोफिल्स आ गया, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एक इसमें लाता है इजिनोफिल्स, ठीक है ना, ओइजिनोफिल्स, ठीक है बच्चा पार्टी, ये होते हैं पांच टाइप, ठीक है ना, आप भी ये लिखो, ठीक है ना, हिंदी में, ठीक है ना, सेम नाम है इनका, हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए WBC। अच्छा, हमारा ब्लड जो ना सफेद नहीं होता, सफेद बट WBC वाले ब्लड को ना पढ़ने के लिए हम लोग ब्लू दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, जब आप पढ़ोगे ना कहीं वीडियो वगैरह देखोगे तो WBC वाला ब्लड और RBC वाला ब्लड दोनों हमारी बॉडी में बहता है, दोनों हमारे बॉडी में, जैसे कि ना आप लोग जाते हो हाईवे पे या फिर रोड पे, एक जाने की लेन होती है, एक आने की लेन होती है, एक में जाते जाते हैं और एक से आते आते हैं, ऐसे हमारी बॉडी में भी दो होते हैं, उसमें रोड होते हैं लाइफ में, यहाँ रोड होता है, हमारी बॉडी में कौन होता है, हमारी बॉडी में होते हैं आर्टरीज और वेन्स, कौन होते हैं, तुम जैसे नस नस कहते हो ना, नसों में वो बह रहा है नस, बेटे अनपढ़ लोग कहते हैं, जब हम साइंस पढ़ लेते हैं ना, क्या पढ़ लेते हैं, वेजल्स, उन्हें बोलते हैं ब्लड वेजल्स, क्या बोलते हैं, ब्लड वेजल्स, ठीक है ना, तो ब्लड वेजल्स हमारे बॉडी में होता है जिसमें ब्लड बहता है, आपको याद है आप लोग जाइलम फ्लोएम पढ़ रहे थे, उसमें क्या होता है, फ्लो तो होता है उसमें, जाइलम में वाटर फ्लो होता है, तो वो भी क्या है, वेजल्स है, क्या है वो, ऐसे हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि ना पेड़ पौधों में होता है जाइलम फ्लोएम, जाइलम में क्या बहता है, पानी ट्रांसपोर्ट करता है ना वाटर को, और फ्लोएम फूड करता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो है, पादप को छोड़ो प्लांट्स को बोलो बॉडी में आ जाओ, हमारी बॉडी में आर्टरी और वेन होते हैं, क्या होते हैं, आर्टरीज और वेन होते हैं, ठीक है ना, आर्टरीज वेन्स और एक होता है कैपिलरीज, क्या होता है, कैपिलरीज, ये बॉडी तक पहुंचाता है हमारे ब्लड को, इसमें तो इसमें कौन होता है, इसमें आरबीसी वाला ब्लड होता है, कौन सा होता है, और आरबीसी में कौन था, ऑक्सीजन, कौन था, तो इसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, ठीक है ना, और इसमें फ्लो करता है CO2 वाला ब्लड, कौन सा, जिसमें WBC होता है, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ब्लड फ्लो करते हैं, ये कहां पर होता है, तुमने वो देखा है फुहारा, उसमें क्या होता है, देखो इतना बड़ा पाइप आता है, आता है, फिर आप यहां पे क्या लगाते हो, एक वो लगा देते हो ना फुहारा सा, बूंदी बूंदी वाला पानी बाहर निकलता है, पानी आता तो बड़े पाइप में है लेकिन बाहर निकलता है छोटे छोटे छेद से, है ना, और उसी को आप क्या बोलते हो, फुहारा, ऐसे हमारी बॉडी में भी इनमें बड़े बड़े पाइप होते हैं, ठीक है ना, और एक छोटे वाले पाइप होते हैं, ठीक है ना, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है बहुत फाइन धागे जैसी, जितना ना बाल है आपका इतने बड़े बड़े होते हैं, कैपिलरी ना बोलते हैं उसको हम लोग, सेल होता है, क्या होता है, इतना पतला पतला सेल होता है जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड
उसे बोलते हैं कैपिलरी। ये हमारे बॉडी ऑर्गन में अंदर होता है, ठीक है ना, इनसे इनसे अंदर मिलकर बनता है, ठीक है ना। इनमें ब्लड बहते हैं, क्या बहता है इसका, क्या बहता है इसमें, इनको बोलते हैं हिंदी में रक्त नलिका, क्या बोलते हैं, हाँ नलिका, ठीक है ना, समझ में आया, रक्त नलिका बोलते हैं, ठीक है भाई, रक्त नलिका बोलते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, धमनी, क्या बोलते हैं इसको, धमनी, इसे बोलते हैं सिरा, ठीक है ना, और इसे क्या बोलते हैं, कैपिलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इसका ना आप लोग हिंदी ना खुद देना, ठीक है ना, बुक में, ठीक है ना, क्या कह रहा हूं देख लेना, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, छप गया। इसके बाद कौन होता है, प्लेटलेट्स, कौन आता है, देखो इसके बारे में ना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, ठीक है ना। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि हमारे बॉडी में कौन होता है, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है ना। आर्टरी में कौन होते हैं, O2 वाले ब्लड, कौन से होते हैं, ये लंग्स में से O2 को लाता है और बॉडी में फैला देता है, और ये क्या करता है, पूरी बॉडी में से CO2 गैस लेता है और लंग्स में पहुंचा देता है, ठीक है ना, ये काम करता है, ठीक है ना, और ये बॉडी के अंदर बांटता है ब्लड को, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैस का। अच्छा अब हम ले आगे, थर्ड वन कौन था हमारे पास, बताओ थर्ड कौन था, थर्ड प्लेटलेट्स, थर्ड कौन था बताओ, अब लिखो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, इसे प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है भाई, हिंदी में भी सेम ही नाम है इसका, हिंदी में भी। इसका एक नाम और क्या है, थ्रोम्बोसाइट, क्या नाम है इसका, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना, हम इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। आपको डिटेल पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना, तुम्हें घर जाकर पढ़ना है इसको, अच्छे से वापस पढ़ना है जो आपको मैंने समझाया आज, इंपॉर्टेंट है ब्लड के बारे में, इससे ज्यादा ब्लड के बारे में कुछ भी नहीं बताते, ठीक है ना। 11th का भी मैंने आपको ना थोड़ा बहुत पोर्शन बता दिया, ठीक है ना। खैर 10th तक ना इतना क्या होता है, काफी होता है, ठीक है भाई। लिखो प्लेटलेट्स, क्या लिखो, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स, क्या करता है ये, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्या करता है, लिखो इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, लिख बेटा इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, भी कहते हैं, समझे आप लोग। अब देखो लिखो, ये स्पिंडल आकार का होता है जो रक्त को, किसको, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, क्या करता है बताओ, मदद करता है, समझ में आया सबको। लिखो इट इज स्पिंडल शेप्ड सेल्स, ठीक है ना, दैट हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, इन द क्लोटिंग ऑफ, थक्का बनाना मतलब क्लोटिंग करना, जमा देना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना, ब्लड को क्लोट करता है, ताकि अगर आपको मान लो छोटा मोटा कट लग गया तो खून बहता ना रहे, खून बहता ना। अब ऐसा नहीं है कि तुम पूरा काट लो और सोचो कि वो रोग, ये रोक देगा ब्लड को, है ना, अब पूरा काटोगे तो नहीं रुकेगा, ठीक है ना, फिर तो उसको टाके से सिलना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर छोटा मोटा कट लग गया ना तो ब्लड बहना बंद हो जाता है, ठीक है ना। सुनो, कहते हैं डेंगू हो गया और वो मर जाता है, तो डेंगू में क्या होता है, डेंगू के अंदर बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, प्लेटलेट्स को कम करता है, कि क्या करता है, तो जब डेंगू होता है ना तो
प्लेटलेट्स कम होने से हमारी मौत हो जाती है, क्योंकि ब्लड जो है ना वो फिर गाढ़ा नहीं होता। कहते ना ब्लड पतला हो गया, क्या हो गया, उधर खून पतला हो गया, वो खून पतला नहीं होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, ठीक है ना, तो थक्का बन नहीं पाएगा उससे, तो कहते हैं पतला हो गया, ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स कम होने से हमारी मृत्युशील हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है ना पानी जैसा हो जाता है, ठीक है ना। फिर बॉडी में जहाँ रिक्वायरमेंट है ना ब्लड की, वहां ठीक से ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, प्लेटलेट्स हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। आपके लेवल पे इतना ही है, ठीक है ना। तो आज अपन ने खत्म कर दिया क्या चीज, ब्लड, ठीक है ना। ब्लड क्या था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, या कह लो फ्लूइड, क्या है ये, फ्लूइड है ना। अपन लोग कल पढ़ेंगे मसल्स, ठीक है ना। थैंक यू।